अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है मूड? देखिए, पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को एक रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी एक रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्कू जी से कहा और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे गहलोत जी ने में नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता एक रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। पच्चीस लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए, राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। एक साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है? हां भाई, नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ, काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना, याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा
मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको, पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी, राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। ओपीएस से 5 लाख परिवारों को फायदा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को 1000, और शिक्षा में 3600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने, 309 नए कॉलेज, 9 नई यूनिवर्सिटियां। बीजेपी के नेता कहते हैं भाइयों और बहनों हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर में काम ना करें, आईटी का काम ना करें, विदेशी कंपनी में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहे। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हिंदी में राजस्थान में बात करनी हो, उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ तो हिंदी चलेगी, मगर बड़ा सपना देखना है, किसी युवा को अपना बिजनेस खोलना है, इंटरनेट में काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, विदेश जाना है, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूलों के जाल खोला है, पूरे प्रदेश में हमने खोल दिए। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के, राजस्थान में हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का, हम उसको कानून बना देंगे। और गांव के लोगों के लिए जैसे हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, गोबर का परकॉमेंट 2 रुपए प्रति किलो। भाइयों और बहनों,
हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए, पहली बार हिंदुस्तान में किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। होता क्या है, ये अदानी जी की मदद करते हैं, अदानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं, विदेश की कंपनियां खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डालते हैं। होता क्या है भाई और बहनों, किसान पैसा कहां खर्च करेगा, गांव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा, पैसा सीधा गांव में और शहर में जाता है और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा मिलता है। यह फर्क है हम में और उनमें। आप देखिए टेलीविजन पे चेहरा आता है नरेंद्र मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना 24 घंटा, क्यों दिखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के किसान टेलीविजन के मालिक अरबपति लोग हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी का चेहरा टेलीविजन पे 24 घंटा डालते हैं।